यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पॉलिथीन पर बैन लग चुका है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में कई हिस्सों में बेधड़क पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि पॉलिथीन का इस्तेमाल ना हो सके, इसके लिए टीमें जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। अगर बात बागपत की करें तो यहां बैन बेअसर दिखाई दे रहा है। अभी भी बाजारों में बेधड़क होकर दुकानदार उपभोक्ताओं को पॉलिथीन में सामान दे रहे हैं और लगातार ये धंधा चल रहा है। और हालांकि पॉलिथीन पर बैन भी लग गया है, बावजूद उसके ना तो दुकानदार सुधरते हैं और ना ही ग्राहक बाज आते हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो सख्त भी होता दिखाई देता है। टीमें बनाई गई हैं, जो टीमें लगातार छापेमारी करती हुई है, लेकिन यहां पर हालात फिर से वैसे ही हो जाते हैं। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन बैन कर दिया गया है, बावजूद उसके यहाँ पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दुकानदार थैलियों में डालकर खुले तौर पर पॉलिथीन बेच रहे हैं। आपको बता दें कि कोई भी सामग्री अगर ग्राहक लेने जाता है तो उसे वो सामान पॉलिथीन में लपेट कर दिया जाता है। जागरूकता की कमी साफ तौर पर दिखाई देती है। ना तो दुकानदार अपनी इन हरकतों से बाज आ रहे हैं और ना ही जो ग्राहक है वो इस चीज़ के लिए मना ही करते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से टीमें बनाई गई है, जो टीमें जगह जगह जाकर छापेमारी करती है, जुर्माना भी वसूलती है, लेकिन बावजूद उसके हालात वैसे ही बन जाते हैं। पॉलिथीन का हमारे पर्यावरण पर बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है, हमारे पर्यावरण को इससे काफ़ी नुकसान होता है। पॉलिथीन ना तो जलता है ना ही गलता है और पर्यावरण के जो लगातार घातक हो रहा है उसके लिए सबसे बड़ा कारण भी पॉलिथीन ही माना जाता है।